क्यों तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का मतलब क्या? एल का मतलब क्या होता था? इंडक्टेंस। तो एक सर्किट होगी जिसमें इंडक्टेंस और आर का मतलब रेजिस्टेंस दोनों होंगे। तो हम लोग कोई एक ऐसी सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ के बारे में। तो ये मैंने क्या किया, कोई एक सर्किट बना ली जिसमें मैंने कोई एक इंडक्टर यूज किया, उसी के साथ साथ मैंने एक रेजिस्टेंस यूज किया। आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूं आर, और ये जो एल बन रहा है, ये इंडक्टर का ही क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं तो बस आपको दिखाने के लिए ये बना दे रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ, क्योंकि एल आर सर्किट बोला है तो आर को भी दिखाने के लिए मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि? अब देखिए बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इंडक्टर लगा होता है और उसमें से करंट जा रही होती है तो उस इंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ इस बैटरी से करंट निकला, हाँ कि ना, इस बैटरी से। और मान लेते हैं यहां पे एक स्विच लगी हुई है, हाँ कि ना, समझ में आया, जिसको मैंने क्लोज किया है, S1 स्विच है, हाँ कि ना। तो जब ये करंट आई आएगा तो इसमें एक इंड्यूस करंट बनेगा, क्या है? एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा, हाँ कि ना, एक इंड्यूस करंट बनेगा। अब ये जो करंट आ रहा होगा इसको अपोज करेगा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, ठीक है, अपोज करेगा उसे, हाँ कि ना, क्योंकि यहां पे करंट क्या है, इंक्रीज कर रही है, धीरे 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 करंट इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। और फिर एक ऐसा समय आएगा, मान लेते हैं टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड बाद क्या होगा कि जो करंट होगी वो फ्लो करने लगेगी, ठीक है। ये अभी तक क्या कर रहा था, रोक रहा था, पर फिर थोड़ी देर बाद क्या है, करंट पूरी की पूरी होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। पर बच्चों यहां पे देखिए, इनिशियली क्या हो गया, इनिशियली क्या होगा, देखिए व्हेन स्विच S1 इज क्लोज, जब हमने क्या किया, इस S1 को क्लोज कर दिया, टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब टाइम लगभग लगभग जीरो था, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, इन्होंने कहा, अरे था ये कैसे हो गया, आई इक्वल टू जीरो, आई को तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए था, ठीक है, हाँ कि ना। बट इन्होंने कहा, यहां पे देखिए रीजन दिया, इट इज बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर, इट इज बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर विच अपोजेस द ग्रोथ करंट, जैसा कि मैं बताया था, ये इस करंट की वजह से हुआ, मतलब इस इंडक्टर की वजह से हुआ जो कि अपोज कर रहा है बहुत ज्यादा ग्रोइंग करंट को, हाँ कि ना, क्योंकि ग्रो कर रहा है करंट, इसी वजह से यहां पर करंट का आया जीरो। अगर ये इंडक्टर ना होता, अगर इफ देयर वॉज नो इंडक्टर, देन इंस्टेंटली आई इंक्रीजेस टू मैक्सिमम करंट, तो क्या होता, मैक्सिमम करंट पे रीच कर जाता। इसका मतलब यहां पे जो इसका मान लेते हैं वोल्टेज जो है वो ई है, वो ई बाई आर हो जाता, समझ में आ रहे ना, तो आई मैक्स पे चला जाता, आई मैक्स इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट पर देखिए, बट अब देखिए बच्चा, जब ये आई मैक्स में हो जाता, ठीक है, ये जो सर्किट बन रही है वो किसके लिए बन रही है, ये जो यहां पे सर्किट मैंने बनाई है वो इसके लिए बनाई है, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए नहीं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां जगह थी इसलिए मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये पहली चीज के लिए बनी है ये सर्किट। देखिए क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, ये अपोज कर रहा था इस करंट को, इसी वजह से एट टी इज इक्वल टू जीरो लगभग लगभग करंट क्या कर रहा था, यहां से पास ही नहीं हो पा रहा था, तो समझ लीजिए करंट पूरे में फ्लो ही नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सर्किट क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ठीक है, ओपन हो गई सर्किट, इसलिए मैंने इसका ओपन सर्किट यहां पे इसका डायग्राम बना, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ओपन सर्किट हो गई, खुल गया सर्किट, समझ में आया कि नहीं। बट अब देखिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर करंट टेक सम टाइम, करंट टेक सम टाइम फॉर करंट टू ग्रो, कुछ समय लेगा इंडक्टर की वजह से ग्रो होने के लिए, हाँ कि ना। तो हम मान लेते हैं एट टाइम टी, टाइम एट टी इज इक्वल टू टाइम, मान लेते हैं, चलिए इंफिनिटी मान लेते हैं, इंफिनिटी मतलब 3, 4, 5
मिनट कह रहे हैं, सेकंड समय मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो आई होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाएगा, आई नॉट पे रीच कर जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। कि मतलब अब क्या होगा, जितना करंट यहां से निकल रहा था मैक्सिमम करंट, उतना ही सब में फ्लो होने लगा। मतलब भैया इस इंडक्टर का कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि तो इसी की ही तो मैंने रेजिस्टेंस यहां पर लिखी है, हाँ कि ना, कोई यूज नहीं रहा इसका, समझ में आया ना। अब यही जो होगा रेजिस्टेंस, ये आर हो गया, हाँ कि ना। तो सो एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट देयर इज नो रोल ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का कोई रोल नहीं हुआ, क्योंकि इंडक्टर क्या करता था, अपोज करता था ग्रोइंग करंट को। पर अब क्या हो रहा है, एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या हो रहा है, पूरी पूरी करंट फ्लो कर रही है, तब तो कुछ का कोई रोल ही नहीं हुआ, हाँ कि ना। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, ई बाई आर हो जाएगी, हाँ कि ना। अब जब ई बाई आर हो गई तो सर्किट क्या हो रही, जब इतनी बड़ी बन रही थी वो शॉर्ट हो जाएगी, मतलब इंडक्टर चला जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हाँ कि ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट मतलब छोटा सर्किट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो होगा आई मैक्सिमम पड़ रही थी और हर जगह यही आई मैक्सिमम आई नॉट जाएगी, समझ में आया कि नहीं। ये था इनिशियल कंडीशन जब ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, हाँ कि ना, ये जो आई डैश बना रहा था अपोज कर रहा था, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो क्या बन रहा था, आई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सर्किट क्या हो जा रही थी, ब्रेक हो जा रही थी, हाँ कि ना। बट एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या हो जा रहा है, आई कहां पे रीच कर जा रहा है, आई नॉट पे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड ग्राफ देखेंगे इसका क्या बनता है, ठीक है, तब तक इसे नोट करिए अच्छे से। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ग्रोइंग करंट में क्या क्या हो रहा था वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, समझिए बच्चों। ये चीज मैंने बताया था ना कि एक सर्किट है, सर्किट में कोई बैटरी जुड़ी है, बैटरी से करंट निकालना है, करंट निकल रहा है, हाँ कि ना, जिसका नाम है क्या आई, हाँ कि ना, और यहाँ पे कोई एक एल है एक आर है, एल का मतलब क्या इंडक्टर है और उसी का एक रेजिस्टेंस है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा बच्चा इंडक्टर क्या करता था, एक क्या करता था, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट पैदा करता था, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, हाँ कि ना, अपोज किया। अब बताइए इस इंडक्टर की वजह से कोई करंट इधर फ्लो कर रही है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ अ बैटरी, तो मतलब ये बिहेव कर रही है एज अ बैटरी, मतलब बैटरी में कुछ पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को हमने माना था ई, हाँ कि ना, इंड्यूस्ड EMF, हाँ कि ना, induced EMF की वैल्यू क्या होता है, LdIdt, एक्चुअली ये नेगेटिव होती है, बट किसकी वजह से, लेंज लॉ की वजह से, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन होती है, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ क्या करता था, कहता था हमारा किरचॉफ लॉ कि जो समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल होता है इन अ क्लोज लूप वो क्या होता है, जीरो। ये मैं बता चुका हूं, अगर किरचॉफ लॉ नहीं आता आप लोगों को तो एक बार देख के आइए, ठीक है, सब कुछ मैंने वहां पे बताया है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप देखिए सब कुछ है उसमें, ठीक है। आप देखिए एट टाइम, कुछ टाइम पे, एट सम टाइम टी, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो टाइम है वो इनफाइनाइट और जीरो के बीच का कोई टाइम है, तो मैंने कहा एट टाइम टी हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इन पूरा का पूरा किरचॉफ लॉ निकाल के हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल इसका। तो हमने देखा, जब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते थे, एक पाथ कंसिडर करते थे, तो हमने क्या किया, एक पाथ कंसिडर कर ली, हाँ कि ना, यू पाथ कंसिडर कर ली, ये क्या है, कोई पाथ कंसिडर कर ली, हाँ कि ना। अब क्या है, यहां पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, धीरे 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 यहां पे आए, तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग पाथ, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे जो इंड्यूस करंट बन रहा था, मतलब कोई इंड्यूस ईएमएफ बन रहा था, वो क्या हुआ, क्यों बन रहा था, क्योंकि ये इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा था, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब करंट देखिए कहां कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाँ कि ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये हायर पोटेंशियल बन गया, ये लोअर बन गया, हाँ कि ना, तो ऐसे ही फ्लो किया यहां पे, तो हमने माना ये क्या हुआ, कुछ ऐसे बैटरी यहां पे बनी, हाँ कि ना, तो अब हायर से लोअर पाथ भी कहां से जा रही, हायर से लोअर, हाँ कि ना, तो यहां पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, LdIdt, बताइए आप, बताइए कोई बताएगा हमें कि यहां से LdIdt क्यों नेगेटिव आ रहा, क्यों, क्योंकि पाथ कहां से जा रही है, हायर से लोअर जा रही है, कहां से, हायर से लोअर। अब यहां पे आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसको भी कंसीडर करिएगा, DI/DT क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एल ऑब्वियस बात है पॉजिटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट यहां पे देखिए यहां से यहां क्या आ रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, हायर से लोअर, तो ये पूरा क्या हो गया, लो हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, हाँ कि ना,
नेगेटिव पोटेंशियल, तो हमने इसको लिखा नेगेटिव पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि हायर से लोअर फ्लो कर रहा था, समझ में आया कि नहीं? अब इसका क्या था, पाथ भी इधर फ्लो कर रही है, करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, हाँ कि ना? अब जब एक ही साथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी क्या फ्लो कर रहा है, हाइयर से लोअर फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव हो गया, हाँ ही ना, इज इक्वल टू जीरो, अब और कुछ नहीं बचा। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, यहां से हम लोग यहां पे आते हैं, क्या किया हमने, ई को एज इट इज रखा, और क्या किया हमने, आर को एज इट इज रखा, एल डी आई बाई डी को उधर भेज दिया, तो ये नेगेटिव में था, इधर चला गया, पॉजिटिव में हो गया, हाँ कि ना? अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया, यहां से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, हमने क्या किया, डी आई और एल को नीचे लाया और सबके सब उधर भेज दिए, तो डी आई डी टी को और अपॉन एल, डी टी को इधर लेके आए और एल को लेके आए, तो डी टी बाई एल और सबको भेज दिया, डी आई बाई ई माइनस आई आर, हाँ कि ना? अब क्या करेंगे बच्चा, हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टाइम को और यहां पे करंट को, तो टाइम जब जीरो था तो मैंने माना करंट भी जीरो था, और जब टाइम टी हो गया तो करंट भी हो गया, हमारा कुछ आई हो गया, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं, इतना बताइए, करंट क्या हो गया, आई हो गया हमारा, तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमारा टी बाई एल लिख दिया जाएगा, हाँ कि ना? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं लॉग बेस ई बी माइनस ए एक्स अपॉन नेगेटिव ए, समझ रहे हैं बात को, ए यहां पर क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह, तो यहां पर हमने क्या लिखा, नेगेटिव वन अपॉन आर लॉग बेस ई ई माइनस आई आर, समझ में आया कि नहीं, कहां से कहां, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से आई तक, समझ में आया कि नहीं, जीरो से आई तक हो रहा, समझ में आया, बताओ बताओ समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, ये देखिए आर को मैंने इधर भेज दिया, हाँ समझ में आया कि नहीं, अब जीरो से आई तो आई की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो जब आई की वैल्यू रखी हमने, हाँ कि ना, फाइनल को रखा तो ये आया, इनिशियल को रखा, हाँ कि ना, समझ में आया, जीरो को रखा तो ये आया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए, अब जब हम लोगों ने लॉग a माइनस बी पढ़ा है तो लॉग a बाई बी हो जाता है, तो ये हो गया हमारा, ये चीज लिख दी, हाँ कि ना, एज इट इज ये चीज रहा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ e और e को क्या कर देंगे, खोल देंगे, तो e बाई e क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और माइनस e बाई r बाई e हो जाएगा, एज टेकिंग एक्सपोनेंशियल। जब हम लोग एक्सपोनेंशियल लेते हैं, लॉग अगर लगाए तो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को काट देते हैं, खत्म कहानी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और e की पावर में ये आ जाएगा पूरा, e की पावर में ये पूरा आ जाएगा, तो e की पावर नेगेटिव आर एल टी इजिक्वल्स टू वन माइनस आर आई आर बाई ई इजिक्वल्स टू, जब हम इसे देखेंगे तो हमने क्या आई आई आर बाई ई आई आर बाई ई को इधर ही लिखा, और क्या किया मैंने, आई आर बाई ई को मैंने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया और इसको उधर भेज दिया, इसको मैंने पॉजिटिव लिया और इसको उधर भेज दिया, तो हमें मिला क्या, आई आर बाई ई इजिक्वल्स टू वन माइनस ई डी पावर नेगेटिव आर एल इंटू टी, समझ में आएगी नहीं। अब देखिए इसको मैंने क्या किया, यहां पे देखिए समझने की बात है, आप ये चीज आगे वही जो चीज थी मैंने यहां पे क्या करा, लिख दी, हाँ कि ना। अब हमें पता है, देखिए आराम से समझिएगा अच्छे से, यहां पे हमने क्या किया है, देखिए आई की वैल्यू निकाली है, यहां से हमने क्या निकाली, आई की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू क्या करेंगे, ई को उधर भेज देंगे, आर नीचे आ जाएगा, हाँ कि ना। और ई बाई आर क्या होता है, यहां पे ई क्या है, बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, हाँ कि ना। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट, तो यहां पर ई बाई आर क्या हो गया, ई नॉट हो गया, और एज इट इज ये चीज लिख दी गई, हाँ कि ना। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, यहां पर एक टर्म यूज करेंगे हम लोग टाउ, जो कि होगा एल बाई आर, जो कि होगा एक कॉन्स्टेंट, हाँ, जिसको हम लोग कहेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहेंगे, जिसकी यूनिट टाइम ही होती है, टाइम की ही होती है, जो होती है सेकंड, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, l by r कैसे ले आएंगे, इस r by l को क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में लेके चल जाएंगे, हाँ कि ना। तो ये l by r आ जाएगा, हाँ कि ना। जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियस बात है r by l हो जाएगा, तो एज इट इज लिख दिया मैंने, और यही l by r मैंने क्या किया, टाउ में चेंज कर लिया, समझ में आया। अब यही पे क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन टाउ, हाँ कि ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ करंट के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये चीज तो हमारी फाइनल आ गई, हाँ कि ना, कि I is equals to I not, जो मैक्सिमम करंट है, वन माइनस ई दी पावर नेगेटिव टी बाई टाउ। अब टाउ को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे, जब टी इज इक्वल टू टाउ हो जाए, मतलब जो टाइम यहां पे लग रहा है वो टाउ हो जाए, और आई तब क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम लोग जब पुट करेंगे टाउ की वैल्यू टी पुट कर देंगे, तो टी देखिए यहां पे, यहां पे टाउ की नहीं, टी की,
टी की अगर हम लोग वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, टाओ, तो टी टाओ बाय टाओ कर दिया, वन आ गया, तो नेगेटिव वन हो गया। अब देखिए यहां पे आप याद रखिएगा, नेगेटिव वन इज इक्वल टू वन अपॉन ई लिख सकते हैं, और वन अपॉन ई की जो वैल्यू होती है वो 0.63 होती है, याद रखिएगा, 0.63 नहीं 0.37 होती है, क्या होती है 0.37, जल्दी जल्दी बताने में आपको थोड़ा मिस हो जाता है, थोड़ा गलती हो जाती है, तो 1 अपॉन e इज इक्वल टू 0.37 होता है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन e की वैल्यू आ गई हमारी 0.37, इसी को यहां पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 0.37, तो 1 से जैसे ही माइनस करेंगे तो 0.63 आएगा, आप माइनस करके देखिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 से माइनस किया तो 0.63 इंटू मैक्सिमम करंट। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इसको डिफाइन करेंगे tau is that time, क्या कहेंगे, tau is that time in which the current grows 63%, the current grows 63% of steady current, steady current मतलब क्या, जो current maximum current होगा इसी कहते हैं, the current grows 63% of maximum current या steady current, समझ में आएगी नहीं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे इसका। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके थे कि मतलब ये कोई एक सर्किट था, सर्किट में इंडक्टर था, इंडक्टर, अब हम लोग क्या करते थे, इस सर्किट में हम लोग करंट फ्लो करा रहे थे यहाँ पे बैटरी रख के, हाँ है ना, तो यहाँ पे एक इंड्यूस करंट बन रहा था, तो ये सब हम लोग पढ़ के रखे थे। अब हम लोग ने इसमें से किरचॉफ लॉ लगाया तो हमें कुछ एक फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला था, हाँ कि ना। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो एक्सपोनेंशियली का जो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, यहाँ पे क्या कर रहा था हमारा, क्या कर रहा था, करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मानते हैं जब टाइम जीरो है, अब देखिए केस क्या बन रहा था, यहां पे हम लोग ने क्या देखा था, जब समय वहां पे जीरो था, टी इक्वल टू जीरो था, तो इंडक्टर की वजह से जो फ्लो हो रहा था करंट का सर्किट में, वो भी जीरो हो जा रहा था, इसी वजह से वहां पे सर्किट क्या हो जा रही थी, ब्रेक हो जा रही थी। तो हमने यहां पे इनिशियली क्या कहा, टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो इनिशियली, तो यहां पे सर्किट क्या हो जा रही, ब्रेक हो जा रही, इसका मतलब करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है। और ये ग्राफ भी यही दिखा रहा है कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, समझ में आया। और इसी वजह से हमने इस सर्किट को कहा ओपन सर्किट इंडक्टर, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसी तरह हम लोग सेकंड केस देखते हैं, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, टाइम को मैंने इनफाइनाइट किया, हाँ कि ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, देखिए यहां से जब टाइम को मैक्सिमम करेंगे तो इस फॉर्मूले से देखिए जो हमने निकाला था अच्छे से, ठीक है, अब टाइम का इनफाइनाइट रख देंगे तो यहां पे टी की वैल्यू पे इनफाइनाइट आया, इनफाइनाइट बाय टी टाउ, हाँ कि ना, विच इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई के पावर नेगेटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट को हम लोग वन अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और इसको 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट को 1 अपॉन इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और 1 अपॉन इनफाइनाइट हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट से 1 को डिवाइड करो, क्या बात करो भाई, जीरो आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा घूम फिर के जीरो आ गया, हाँ कि ना, और 1 माइनस जीरो क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो i किस कहां रीच कर गया, i कहां रीच कर गया, i हमारा रीच कर गया क्या, i नॉट तक, मैक्सिमम करंट तक रीच कर गया, हाँ कि ना, कि मतलब जब हमारा टाइम इनफाइनाइट हो जा रहा है तो हमें कितना मिल जा रहा है, आई की वैल्यू कितनी मिली, आई नॉट मिल जा रही, हाँ कि ना। और यहीं पे केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब टाइम क्या मिल जा रहा था, हमें टाउ मिल रहा था, तो जो हमें करंट मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, बताओ कौन बताएगा, जो करंट मिल रही थी मुझे वो 63% ऑफ मैक्सिमम करंट मिल रही थी, इसी को हम लोग टाओ कहते थे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, टाओ कहते थे, अच्छे से बनाइए, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए सेकंड केस में हम लोगों ने देखा था क्या होता है, जब हम लोग टी को मैक्सिमम वो इनफाइनाइट कर दे रहे हैं तो आई की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, आई नॉट मिल जा रही है। अब जब भी आई नॉट मिल जाती है मतलब स्टडी स्टेट आ गया, स्टडी स्टेट का मतलब क्या कि जो सर्किट है उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करती चली जा रही है, हाँ क्या, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करती जा रही, तो कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करती जा रही। अब देखिए बच्चा जब कॉन्स्टेंट फ्लो करती जा रही है तो इंडक्टर का हमें कोई यूज ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेयर नो रूल ऑफ इंडक्टर, सो मैक्सिमम करंट और ऑल करंट फ्लो इन सर्किट, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंडक्टर का रोल क्या होता था बच्चा, कि जो करंट आ रही है उसको क्या करना, अपोज करना, करंट इंक्रीज कर रही है आ रही है, हाँ कि ना, करंट इंक्रीज कर रही है तो उसे अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट बन रहा था, पर यहां पे क्या होगा, वो इनफाइनाइट कर दिया मैंने, टाइम इनफाइनाइट कर दिया तो मैक्सिमम हो गई करंट, जितनी बहनी चाहिए थी वो बह रही है, ठीक है, तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं हुआ, तो इसीलिए यहां पे हमने क्या किया, सर्किट को शॉर्ट सर्किट कह दिया, ठीक है, शॉर्ट बन गया सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट इंडक्टर मैंने कह दिया, ये समझ में आया आपको, इसे अच्छे से नोट करिए आप।